नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिव एजुकेशन न्यूज़। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2024 का आंसर की का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो रहने वाला है। जिस भी बच्चे ने एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दी है उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आंसर की के ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ पर आपकी जो पहले आंसर की आनी थी उसका कारण है वो नहीं आई है। वो आप सभी को पता है कि री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराई गई थी एसएससी की तरफ से, तो वो री एग्ज़ाम भी आपकी 30 तारीख को वो करा ली गई है। तो अब बच्चे कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आंसर की अब कब आने वाली है, क्योंकि इतने दिन तो कारण था एसएससी के पास आंसर की नहीं जारी करने का, पर अब आंसर की वो कब आने वाली है। तो पूरा इस वीडियो के अंदर हम जानकारी वो देने वाले हैं, पूरी बात करने वाले हैं। कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, फिजिकल डेट है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय से एसएससी ने जो शेड्यूल तैयार किया है वो री एग्ज़ाम के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो उस हिसाब से कितना चेंजेज हुआ है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एसएससी ने पहले आंसर के नहीं जारी करने का कारण है वो री एग्ज़ाम है, वो आप सभी को है वो पता चल गया होगा। इस री एग्ज़ाम में आपकी कंडक्ट वो करा ली गई है। इसके अंदर आपके जो है लगभग 15 से 16 हज़ार के बच्चे हैं उन्होंने री एग्ज़ाम दी है, और री एग्ज़ाम किन किन सेंटरों पर आपकी कराई गई थी वो आप सभी को हमने बता दिया है, वो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब री एग्ज़ाम होने के बाद में अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज 31 तारीख हो गई है, क्या आज आंसर की आने वाली है? तो भाई आज आपकी आंसर की वो नहीं आने वाली है, आज वो आंसर की वो नहीं आने वाली है। अब आंसर की कब आएगी? तो भाई आंसर की है वो एसएससी कभी भी जारी कर सकता है। अब यहाँ पर आपके उन्हीं के हाथ में है सब कुछ कि आंसर की वो कब जारी करेंगे। फिर भी मैं आपको डेट पर बता देता हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं। इसके अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पर दो एग्ज़ाम आपकी एसएससी ने करवाई थी। इसके अंदर आप पहले वाले में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और दूसरी वाले में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, दोनों के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि पहले वाले में नॉर्मलाइजेशन हो गया और अब वाली में नहीं होगा। तो भाई दोनों एग्ज़ाम है वो सेम ही है और एसएससी ने कराई है। अगर पहले वाले में नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसी में भी नॉर्मलाइजेशन है वो होने वाला है, तो वो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर की बात करें कि आंसर की कब जारी की जाएगी, तो भाई आंसर की आपसे एक तारीख से 3 तारीख के बीच में कभी भी जारी की जा सकती है, कल भी जारी की जा सकती है, 2 और 3 को, यानी 3 तारीख से पहले आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर आंसर की का है वो लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, आपके सामने देख सकते हो। जैसे आंसर की के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी एसएससी जीडी की आंसर की है उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी नोटिस वगैरह या कोई भी लिंक वगैरह है वो भी एक्टिवेट नहीं किया गया। जैसे लिंक एक्टिवेट किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।